स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, 12 क्लास में मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो आपको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छा से सारी बातें बता रहे हैं। ये आज तीसरा डे है, तीसरा क्लास है। 60 डेज में सारे पोर्शन हम ख़त्म करने वाले हैं। 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और ख़त्म हो जाएगा, इसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। बस जितना हम पढ़ा रहे हैं सबको एक नोटबुक में नोट करना है बढ़िया से। जितना होमवर्क दे रहे हैं सारे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। 60 डेज में इतना अच्छा से आपको कहीं प्रिपरेशन करने का जगह नहीं मिलेगा। एक और बात कहना चाहते हैं, क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो कुछ तो आपके फ्रेंड होंगे जो काफ़ी क्लोज होंगे, उनके पास इस क्लास का लिंक शेयर कीजिए और अच्छा से पूरा बढ़िया से बात को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए लाइक कर दीजिए और फिर देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज। देखिए एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। अब जोड़ पढ़ेंगे ना हम लोग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज। देखिए क्या होने वाला है आज, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज। कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देनी है, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, बात याद रखिएगा। एडिशन का मतलब क्या होता है, योग। हिंदी वाले लिखेंगे दो आवयुहों का योग। समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है। इसके सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि मैट्रिक्स क्या है और कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरे क्लास में क्या देखा हमने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज देखा। तीसरे क्लास में आपको हम एलजेब्रा वाला पार्ट बताने वाले हैं, जोड़ घटाओ गुना कैसे होता है, ये सारी बातें, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी कराएंगे, कुछ किताब से क्वेश्चन मार्क करेंगे उन्हें भी बनाना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज का मतलब क्या हुआ, दो आवयुहों का योग। देखिए यहाँ बढ़िया से समझिए, यहाँ लिखेंगे लेट मतलब क्या होता है, माना। ए एक मैट्रिक्स मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ए आई जे मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है, ठीक है ना। और एक दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं, बी आई जे, और देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जो हम कहना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। दो मैट्रिक्स जो लेने वाले हम लोग, दोनों का ऑर्डर जब सेम होगा तब क्या होगा, जोड़ होगा। मतलब जब ऑर्डर सेम होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब ए और बी जब कंपेरेबल मैट्रिसेज होंगे तब क्या होगा, दोनों में जोड़ होगा। तो जोड़ होने के लिए देखिए, हम एक बात को कई तरीके से कह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो। दो मैट्रिक्स में जोड़ होने के लिए दोनों मैट्रिसेज का ऑर्डर का सेम होना काफ़ी ज़रूरी है, समझ रहे ना। ऑर्डर क्या है, सेम है। देन तब क्या है कहानी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देन तब ए प्लस बी जब करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, लिख देंगे ए आई जे और एम बाई एन, सॉरी थोड़ा सा यहाँ देखिए, ए आई जे प्लस बी आई जे और एम बाई एन। इसके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, कैसे एलिमेंट को, संगत एलिमेंट को, और ऑर्डर भी सेम होगा। मतलब अगर ए का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है, बी का ऑर्डर भी एम बाई एन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन ही होगा। चलिए आइए एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स। घबराने की बात नहीं है, बस लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, इसका एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसमें लेते हैं क्या हम एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब सुनिए बढ़िया से थोड़ा सा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2, कितना ऑर्डर है, 2 बाई 2 है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 बाई 3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितना रो है, दो गो रो है।
आ कितना कॉलम है, दो कॉलम है, दो गो रो दो गो कॉलम है यहाँ पे, समझ रहे ना। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 हो गया, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब देखिए दो गो रो तीन कॉलम तो 2/3। अब बात ये आती है कि सर आपने कहा कि जोड़ के जब बात होगी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी पॉसिबल होगा, जो हम बात समझाना चाह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ए प्लस बी कन्फर्म होगा, नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, दोनों मैट्रिसेज क्या है, कंपेरेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी की जब बात करेंगे तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको इस तरह से हम बता दे रहे हैं, समझिए कि आपको रटवा रहे हैं, समझा रहे हैं, दिमाग में फिट करना चाहते हैं, ताकि इस तरह से बैठ जाए ये चीज़ आपको आज, ताकि कभी भी दिमाग से ना निकले, राइट। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब कैसे जोड़ते हैं, जब दो गो मैट्रिक्स ऐसा आएगा जिसमें क्या ऑर्डर सेम होगा, उसको कैसे जोड़ेंगे, ये बात जानना काफ़ी जरूरी है, तरीका सीखना जरूरी है। आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए मिटा दिए। आइए यहाँ पे अब देखा जाए, एग्जाम्पल, इफ यदि ए इज इक्वल टू दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है, और बी इज इक्वल टू दिया गया है 2, 3, 7, 1, 5, 6, ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है। फाइंड ए प्लस बी, क्या निकालिए आप, ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालिए। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्यूशन, बात जानना जरूरी है सॉल्यूशन वाला। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, ए प्लस बी निकालना है हमको, ठीक है ना। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, और मैट्रिक्स बी कितना है, मैट्रिक्स बी है 2, 3, 7, 1, 5, 6, है ना। अब सुनिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है संगत एलिमेंट। देखिए आपको पता, हमको पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है, ये भी जानते हैं बात, लेकिन हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, ये बात मान के चल रहे हैं, ताकि जीरो से मतलब कि आपको समझ में आए, है ना। और देखिए यहाँ पे इसका संगत एलिमेंट ये क्या है, 1, 1 है, ए 1, 1 है, ये भी ए 1, 1 है, तो 2 + 2 करेंगे, देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 4 + 7 कितना होगा, 11 होगा, 5 + 1 = 6, 6 + 5 = 11, 7 + 6 कितना होगा, 13, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं, देखिए मैट्रिक्स का मान नहीं होता है, मैट्रिक्स बताए थे ना शुरू में ही कि एक प्रकार का सजावट है, अरेंजमेंट है, तरीका है लिखने का किसी चीज़ को रो और कॉलम के रूप में, तो इसका मान नहीं होता है, समझे ना। आगे पढ़ाएंगे आपको डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मान होता है, इसका मान नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आया कि इसका भी ऑर्डर क्या था, इसका भी ऑर्डर क्या था, 2/3 था, इसका भी ऑर्डर क्या था, 2/3 था, तो इसका भी ऑर्डर कितना आया है, 2/3 आया है। मतलब सबसे पहली बात कि ऑर्डर सेम होगा तब क्या होगा, तब जाके जोड़ होगा और फिर आंसर मिलेगा क्या होगा, उतना ही ऑर्डर में आंसर मिलेगा, क्लियर। अब बात समझ पा रहे हैं ना, बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए आइए एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे जोड़ में ही, यहाँ देखिए समझने का प्रयास कीजिए। दिया है ए बराबर 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। फाइंड माने निकालें
क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? तो ए प्लस आई, क्या कहा जा रहा है? ए प्लस आई निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए अब बोलिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। ए प्लस आई का मतलब आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए का मान कितना है बोलिए, ए का मान बोलिए। तो यहां लिखा गया है 2, 3, 4, 5। और देखिए 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर, माने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आई इसके लिए क्या आएगा? 1, 0, 0, 1। बताए थे ना हम कि आई को किस प्रकार से लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो चलिए जोड़िए, तो 2, 1, 3, 0 प्लस 3, 3 प्लस 0, 3, 5, 4 प्लस 0, 4, 5 प्लस 1 कितना होगा? 6 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया ना? तो जोड़ पर इतनी बातें हम लोग समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहे हैं, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लेनी बहादुरी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना? इस बात को याद रखिएगा। चलिए जोड़ समझ में आ गया, आइए आगे देखते हैं। आइए देखा जाए यहां पे एक और चीज, क्या चीज? तो अब क्या है? सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, या इसके लिए हम लोग एक स्पेशल वर्ड हम लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज। हेडिंग बनाइएगा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज। हिंदी हो गया दो आव्यूहों का अंतर, क्या हो गया? दो आव्यूहों का अंतर, याद रखिएगा हिंदी क्या हो गया? दो आव्यूहों का अंतर, बस यही बात है। चलिए समझिए बढ़िया से, दो आव्यूहों का अंतर, आप बात को समझ गए बढ़िया से। आइए यहां पे देखा जाए, क्लियर? चलिए सेम कहानी है, यहां पे कहानी वही है, बस नए तरीके से कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, फटाफट चलिए एम बाई एन, एंड एक मैट्रिक्स दूसरा है पी आई जे एम बाई एन। दो मैट्रिसेज हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे सेम होगा तभी जोड़ घटा होगा। देयर फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट को घटाएंगे, संगत एलिमेंट को घटाएंगे, है ना? राइट, इसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम हो जाएगा। चलिए ये रहा कंसेप्ट, जोड़ है तो जोड़, घटाओ है तो घटाओ, राइट? एग्जाम्पल देख लीजिए ना, ए इज इक्वल टू 1, 4, 7, 3, 9, राइट? बी इज इक्वल टू 5, 7, 2, 1, ठीक है ना? फाइंड मतलब निकालें, फाइंड ए माइनस बी, क्या निकालें आप? a माइनस बी निकालें, क्लियर? आइए देखा जाए कैसे होगा सॉल्यूशन का तरीका, ऐसे लिखा गया जैसे एग्जाम दे रहे हैं आप लोग। a माइनस बी, पहले मैट्रिक्स a को लिखिए 4, 7, 3, 9, क्लियर? उसके बाद मैट्रिक्स b को लिखिए 5, 7, 2, 1। लिख देंगे ना, क्या किया हमने? दोनों मैट्रिसेज को लिख दिया हमने, क्या प्रॉब्लम है भाई? अब देखिए 4 में से 5 घटेगा माइनस एक आएगा, 7 घटाओ 7, 0 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 आएगा। बस यही तो है आपका आंसर, यही क्या आपका है आंसर है, समझ पा रहे ना? छोटी सी बात थी, बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना? समझ गए ना? चलिए आगे देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अरे बहुत आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप हटते नहीं हैं, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हैं। लीजिए ना मन भर स्क्रीनशॉट, लेकिन नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाएगा तो क्या होगा ना, दांत तोड़ेंगे आपका, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें क्या? चलिए बढ़ते हैं।
तो जोड़ घटाओ कोई बड़ी बात नहीं ना है, अब समझ गए ना। अच्छा है, समझ गए ना। एक और बता दे क्या, एक और बनाए क्वेश्चन। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये दे दिया गया है। अच्छा बी इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1 ये दे दिया गया है। और सी इज इक्वल टू 5, 6, 3, 2 ले लिया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड देन, देन मैंने तब, सुनिए देन तब फाइंड क्या निकालिए, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। हर चैप्टर को जितना भी चैप्टर बताया ना, 13 चैप्टर है 12th में, सबको इतना बारीकी से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे बढ़िया से, बहुत मजा आएगा। इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको लगता है ईजी है, ठीक है मान लेते हैं, इतना भी ईजी नहीं है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ऐसे लगता है कि ईजी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं समझना है, बारीकी से नहीं समझेंगे तो गलती हो सकता है। चैप्टर्स हैं आगे भी बहुत सारे, LPP, प्रोबेबिलिटी, 3D, रिलेशन फंक्शंस, इस सब में मजा आएगा तब ना, उसको पढ़ाएंगे जब तब जाएगा कहाँ कैसे मैथ पढ़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब कि हर चैप्टर को आसानी से पढ़ाएंगे हम, इसलिए इसको देखकर मैं सोचेगा सर बड़ा हल्का है, वो सब भी हल्का लगेगा जब हम पढ़ाएंगे तब, क्योंकि बड़े आराम से बताएंगे आपको। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, थोड़ा लाइक कर दीजिए ना आप लोग, लाइक कर दीजिए, और शेयर तो करना नहीं है आप लोगों को, कहना पड़ता है फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने सारे सोशल मीडिया है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे, चलिए सोल्यूशन किया जाए। सोल्यूशन ए प्लस बी प्लस सी यह ना निकालना है हमें। चलिए मैट्रिक्स ए को लिखते हैं 2, 3, 4, 5 लिख दिया हमने। अच्छा प्लस बी को लिखा 4, 3, 2, 1 ऐसे लिख दिया हमने। 5, 6, 3, 2 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। आइए यहाँ देखिए अब क्या करने वाले हैं, जोड़ेंगे सबको, दू सबके एक साथ जोड़ सकते हैं, देखिए सबका सबको जोड़ना ही ना है, सबको जोड़ दीजिए एक साथ में, या दू को जोड़िए एक साथ में फिर उसको लाइए एक साथ में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबको जोड़ सकते हैं एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 6, 5 11 एक लाइन में हो गया। 3, 3, 6, 6 12 4, 2, 6, 3 9 5, 1, 6, 2 8 आंसर हो गया। आप चाहते तो इन दोनों को एक साथ कर सकते थे, तब जोड़ते उसको, या दोनों को एक साथ करके जोड़ सकते उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार जोड़ दिए तो कहा हो गया, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। चलिए एक वर्ड आएगा इसमें, अब उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कराना चाहते हैं ना, इसलिए आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन एक, इफ ए इज इक्वल टू दिया है 3, 2, 5, 7 ये दिया है, ठीक है ना, देन तब फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब सुनिए एडिटिव इनवर्स का हिंदी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का हिंदी होता है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स का हिंदी क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, योज प्रतिलोम भी कह सकते हैं हम लोग। चलिए तो समझिए पहले कंसेप्ट इसका क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट क्या है समझिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बराबर माइनस ए, बस याद रखिएगा, कोई मैट्रिक्स ए है ना, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, बस उसे माइनस लगा देंगे तो निकल जाएगा, बस यही छोटा सा लॉजिक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में लिखेंगे ए इक्वल टू क्या है 3, 2, 5, 7 है कि नहीं है, यही ना है, लिखेंगे इसलिए एडिटिव एडिटिव
एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ ए बराबर इनवर्स ऑफ ए बराबर माइनस ए, मतलब माइनस और ए में देखिए 3, 2, 5, 7 माइनस में सब में देखिए आगे पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3, -2, 5, -7 ये क्या हो जाएगा आपका शानदार आंसर हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब क्या, उस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, उस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर, लाइक करते चलिए, थोड़ा सा इतना लोग जुड़े हैं लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए कि हाँ क्लास चल रहा है, क्रैश कोर्स का धांसू बैच चल रहा है ना, ये सारे चैप्टर खत्म होने वाले हैं, राइट। और जो लोग मोतिहारी के आसपास के हैं, मोतिहारी मतलब बिहार का एक जिला पूर्वी चंपारण, उसका एक शहर मोतिहारी, और उसमें आप आ सकते हैं पढ़ने, मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ही क्लास ज्वाइन नहीं करना है, क्लास कीजिए पहले यूट्यूब पे, वीडियो देखिए, समझ में आता है, संतुष्टि मिलती है, ज्वाइन कीजिए, यही मेरी पूंजी है, बस यही कला है और यही मेरा धन है। इस अगर आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिल सकता है ज्वाइन कीजिए, नहीं तो अच्छे और भी अच्छे टीचर्स हैं, बहुत टीचर हैं मोतिहारी में। चलिए तो लिख लिए आप लोग, आगे बढ़िए, लिखेंगे यहाँ पे कुछ सॉरी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि है कि नहीं, यहाँ पे बात समझिए, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला टॉपिक लेते हैं पहले, स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देखिए ना क्या है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझ रहे ना, स्केलर का मतलब क्या है, अदिश गुणन। अब ई क्या है अदिश गुणन, अब वेक्टर थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका देखिए इसका मतलब जो बताना चाहते हैं समझिए, मतलब कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यहाँ अर्थ ले रहे हैं हम, किसी मैट्रिक्स में स्केलर से गुणा करना, स्केलर मतलब मान लीजिए कोई अंक संख्या, तो 5 से किसी मैट्रिक्स में गुणा करना, 10 से गुणा करना, इसी को स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लिखे हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि ए इक्वल टू क्या है ए आई जे और एम बाई क्या है एन है, तो यहाँ पे कोई स्केलर एनी स्केलर नॉन जीरो स्केलर लेते हैं के ए क्या हो जाएगा, तो के से सभी एलिमेंट में गुणा कर देंगे के ए आई जे और फिर एम बाई एन, मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड क्या करेंगे हम लोग कि इससे के से गुणा कर देंगे सभी एलिमेंट में। देखिए कैसे एग्जाम्पल, ऐसे मान के चलिए ए इक्वल टू दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, और आपसे कहा जा रहा है देन 3a क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या होगा देखिए 3 से गुणा कीजिए 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलिए तो देखिए क्या होगा, 3 × 1 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 मतलब 3 से गुना करने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स के सभी मेंबर में सभी एलिमेंट्स में गुना करना। अच्छा सुनिए इसी बात पे एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, मतलब ये आपको जो बता रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए कि मान के चलिए दिया गया है ए इक्वल टू 5, 10, 15, 20 ये दिया गया है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने मेंबर्स हैं सब में क्या है 5 कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं 5 और 1, 2, 3, 4 और गुना भी कर सकते हैं, है कि नहीं है।
तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग अपनी काम बना सकते हैं। जनरली ऐसे कुछ मतलब कि डायरेक्टली रूल आपको नहीं मिलेगा, बट हम लोग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है, है ना? बात समझ गए ना? क्लियर? चलिए तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन समझ गए कि किसी स्केलर से कैसे गुना करते हैं। सो नोट डाउन, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नोट कीजिए तो आगे बढ़ाते हैं कुछ और बातें। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं बुआ। देखिए यहाँ पे आइए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, और बी इज इक्वल टू 5, 6, 1, 3, ये है, ठीक है ना, 5, 6, 1, 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देन 3a+2b, तो यहां पे देखिएगा 3a+2b बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मेन बात हमारा ये होना चाहिए। क्या है 3a+2b, यही लिखना है ना, है कि नहीं है? तो क्या होगा, 3a का मान बोलिए 2, 3, 4, 5, है कि नहीं है? 2b का मान बोलिए 5, 6, 1, 3। चलिए गुना कीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ये हमारा हो गया शानदार गुना करने का तरीका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से अब क्या करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जोड़ना है। जोड़ना तो सिखाएं आपको हम, है कि नहीं है? जोड़ना सिखाएं, चलिए जोड़िए यहाँ पे 6 × 10 = 16, 9 × 12 = 21, 12 × 2 = 14, 15 × 6 = 21, यही क्या हो गया हमारे, यही हमारा आंसर आ गया। अब सुनिए, ऐसा बन गया तो आप बताइए कि क्या अगर ऐसा दिया रहता 3a - 2b तो क्या आपको प्रॉब्लम होती? जैसे हमने जोड़ किया और घटाओ सिखा दिया आपको हमने, तो जोड़ के बाद अब घटाओ तो कर सकते अपने से, डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। सो सिंपल फॉर यू, समझ गए ना कि सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन को समझना है और फिर बनाने हैं, राइट? आइए आगे देखा जाए क्या मिलता है। बोलिएगा सर फिर आप नहीं दिए हमको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम, आप थोड़ा बैक करके ले लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन खुद से बनाएं आप। यहाँ देखिए कहता है वर्ड ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस पर, मैट्रिक्स के ट्रेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए ज़्यादातर क्या होता है, देखिए ज़्यादातर नहीं मतलब ट्रेस निकालने की जब बात होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह होगा, कौन आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह, हिंदी वाले लिखते चलेंगे, एक वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो ट्रेस को लिखते हैं TRASE, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तो ए का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के सभी जो विकर्ण सदस्य होते हैं उनका योगफल, मतलब क्या कह दिया हमने, यहाँ देखिए एग्जाम्पल
यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, चलिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया हमने, कौन सा मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देयरफोर ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा, तो बस करना कुछ नहीं है, 1 + 5 + 9 क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9 क्या दे देगा आपको, 9 × 5 = 14 + 1 = 15 आंसर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज हम लोगों को ऐसे निकालने होते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए आगे क्या क्या आता है, देखिए क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, ट्रेस निकालने के बाद होगा तो क्या होगा, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा ना उसके विकर्ण सदस्य चुनिए, नहीं आता है विकर्ण सदस्य उसको जोड़ दीजिए, वहीं क्या हो जाएगा आपका ट्रेस हो जाएगा, विकर्ण सदस्य को जोड़ देना है ट्रेस निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपको बताते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 2 3 4 0 4 0 2 3 4 0, ठीक है ना, एंड 2y = -2 2 1 - 5 ऐसे हो जाएगा, दिया गया, ठीक है ना, कह रहे फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, तो ऐसा कंडीशन इफ लगा दीजिए यहाँ पे, इफ ऐसा कंडीशन दिया गया है तो मैट्रिक्स एक्स और वाई निकालने हैं, यहाँ ए और बी भी दे देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो सिंपल देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन करने का आइडिया समझिए यहाँ पे कैसे होगा सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे 2x + 3y बड़ा वाई लिखिएगा इज इक्वल टू क्या है 2 3 4 0 है ना, और दूसरा क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू -2 2 1 - 5 है ना। अब सुनिए यहाँ पे किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा, जैसे हम लोग मतलब कि पढ़ते हैं ना मैट्रिक वाला में 2 वेरिएबल का इक्वेशन 2 चर वाला इक्वेशन वैसे ही तो करना है, तो काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इसके कोफिशेंट से इसमें, इसके कोफिशेंट से इसमें, ताकि एक्स वाला बराबर हो कट जाए, तो बोलिए क्या होगा, इस देयर फोर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 × 3 या माइनस, मतलब कि इसको ना एक मान लीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से, इसको एक मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, तो इसमें किससे गुना करना है 2 से, इसमें करना है 3 से, तो फ्रॉम 1 × 3 एंड 2 × 1 × 2 एक में 2 से और 2 × 3 इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें किससे 3 से और घटाएंगे, चलिए घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, समझिए यहाँ पे देयरफोर गुना कीजिए 4x, एक सेकंड हो गया, गलती हो गया किसमें, ठीक है 2 से कितना होगा 2 × 2 4x नहीं हो जाएगा 4x, उसके बाद गुना कीजिए 2 × 3 कितना होगा 6y हो जाएगा, इस तरह से आपका y वाला कट जाएगा, x वाला बच जाएगा, अब माइनस आ जाइए, अब क्या कर रहे हैं इससे गुना करें, इसमें 3 × 3 9x और 3 × 6y क्लियर इज इक्वल टू, आ जाइए इसमें 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 2 × 0 = 0 ये हो गया, और माइनस
तीन दुना माइनस छ, माइनस से गुना करना है, तीन दुना छ, तीन एकम तीन, तीन पचे माइनस पंद्रह, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, घटा लेना है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, सिक्स वाई कैंसिल हो गया। तो अब सिंपल समझिए, चार एक्स माइनस नाइन एक्स कितना होगा, माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू, माइनस कीजिए फोर माइनस माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, छः चार दस, ठीक है, छ और छ घटाओ छ जीरो, आठ माइनस तीन पाँच, और जीरो माइनस पंद्रह पंद्रह हो जाएगा, ये मिल गया, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ क्या है, माइनस पाँच है ना, गुना में है, आके जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस वन बाई फाइव, और दस जीरो पाँच पंद्रह। अब क्या करेंगे, माइनस वन बाई फाइव जो सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलिए, ये हो जाएगा एक्स बराबर, इसलिए एक्स बराबर माइनस दो कट जाएगा, पाँच दुना दस, ये हो जाएगा जीरो, माइनस वन माइनस थ्री, और ये क्या मिल गया हमारा, x का मान मिल गया, x का मान मिल गया ये। अब देखिए अब क्या निकालना है हमको, y का मान निकालना है। तो देखिए y के मान निकालने के लिए तरीका क्या है, समझिए यहाँ पे आते हैं, इसके लिए करना क्या आपको, y का मान कैसे निकालेंगे, तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा नाउ अब फ्रॉम, फ्रॉम माने से, फ्रॉम वन, और एक में क्या कीजिएगा यहाँ पे लेके, एक ए ना है, एक में ये रख दीजिएगा, टू एक्स का मान रख दीजिएगा यहाँ पे, प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो, और यहाँ से आपको क्या होगा, इधर किधर घट जाएगा और वाई का मान निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आपको बता दिए, वाई का मान आप खुद निकालेंगे, इतना तो आपको आना चाहिए ना, समझ रहे ना। तो जिस प्रकार से मैट्रिक में सोल्व करते हैं ना, क्या चीज़ इक्वेशन, उसे ही तो बताए हैं कि जैसे हमने देखा कि इसका 2x है, इसका 3x है, तो या तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए या इन दोनों को बराबर कर लीजिए। हमने क्या किया, पहले में दूसरा गुना किया, मैंने इसके कोएफिशिएंट से इसमें, इसके कोएफिशिएंट से इसमें, तो y वाला बराबर किया तो y वाला कट गया, x वाला निकल जाएगा, x वाला बराबर करते तो क्या होता, x वाला कटता y वाला निकलता। चलिए इसका जो y वाला पार्ट है वो आप लोग बनाएंगे, चलिए कमेंट पर ध्यान नहीं, आगे देखिए। बीच में हटे थे बुआ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, चलिए इतना बात समझ में आपको आना गया। अब आते हैं थोड़ा सा क्या चीज आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए लिखिए, हेडिंग बनाइए, बहुत ही बढ़िया चीज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस रहेंगे तो उनमें कैसे गुणा किया जाता है, इस बात को थोड़ा सा समझना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस देखिए कैसे, यहाँ पे A इज इक्वल टू ए आई जे और एम बाई एन, एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, क्लियर, और एक मैट्रिक्स और लेते हैं, क्या चीज़ यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे B इज इक्वल टू बी आई जे और P बाई क्यू। अब सुनिए तो ए बी निकालने के लिए सुनिए, देन समझ, यही तो सीखना है कि दो गो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन है, दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर क्या है पी बाई क्यू है, तो दोनों में गुना होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। ए बी कब निकलेगा, ए बी के लिए क्या चाहिए, एन बराबर पी चाहिए, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बच गया, अब बच गया इधर एम और इधर क्या बच गया क्यू, क्या हो जाएगा आपका एम बाई क्यू हो जाएगा। गुना कब होगा, जब पहले वाले की कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो के संख्या के बराबर होगा
गुना होगा, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो जो बच गया था m बाई क्यू हो जाएगा। बात समझ गए ना, अन्यथा नहीं होगा। एक और बात सुनिए, ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी क्या है, ऑलवेज क्या बोलते हैं, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू ऑलवेज, मतलब जनरली क्या होता है, लिख सकते हैं इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही लेकर हम लोग चलते हैं। मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, हर हाल में ऐसा नहीं होता है। इनकेस किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। एक बात ये हो गया, बट याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें तो ए बी बराबर सॉरी ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए के बराबर हो भी हो जाएगा। ए प्लस बी क्या होता है, बी प्लस ए के बराबर हो सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तू, ताकि आपको गुना का मेथड बताएंगे कैसे गुना करते हैं, तरीका क्या होता है गुना करने का, वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए यहां पे आइए, तरीका मेथड देखिए, मेथड पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। बस एक बात याद रखिए, कैसे गुना होता है, रो टू कोलम, बस यही बस एक वर्ड याद रखना है। गुना करने के लिए क्या चाहिए हमको, रो से कोलम में जाना पड़ता है, रो से कोलम में जाना पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा समझ में आए आपको। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे 2 3, ठीक है ना, 4 5 ऐसे दिया गया है, और कह रहा है कि एक और मैट्रिक्स दिया गया गुना करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये है आपका, ठीक है। सुनिए गुना करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 1 1 2 2 by 3 है, समझ रहे ना। तो सुनिए, तो देखिए ये दो क्या है, इस दो के बराबर है कि नहीं है ना, इसलिए गुना हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, गुना होगा। देखिए गुना कैसे होगा, तो देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के साथ गुना होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम याद रखिएगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा, देखिए इसको इसके सामने मन ही मन खड़ा कीजिए, तो 2 1 2 + 3 4 12 क्लियर, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, देखिए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम में दूसरे के, अब फर्स्ट रो से फिर दूसरे के सेकंड कॉलम में, फिर क्या होगा, सेकंड रो की बारी आएगी, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, ऐसे भी आप समझ सकते हैं बात को। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो यह इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, क्लियर। अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में आइए, तो क्या होगा, 2 2 4 और 3 5 15 +15 कर देंगे। अब क्या है, थर्ड रो से क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से सेकेंड कॉलम, ऐसे ही जा सकते हैं आप लोग। तो सुनिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, इसमें कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, तो फर्स्ट रो से क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम में गए हम, इसमें गुना किया, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना किया, और फर्स्ट से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, थर्ड में भी हम लोग गुना कर सकते हैं। फिर समझिए बढ़िया से, इस फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, फिर इससे फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इससे फिर इसमें गुना करेंगे, क्लियर। इससे क्या होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर क्या होगा, इसमें होगा। अब ऐसा मत बनाइएगा, हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 2 1 2 3 4 12 ठीक है ना, 2 2 4 3 5 15 2 3 6 3 6 18 अब इसमें आइए, अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और
क्या चीज, थर्ड कॉलम में करना है। चार एकम चार प्लस पाँच चौका बीस, फिर से आइए इसमें, चार दूना आठ प्लस पाँच पच्चे पच्चीस, फिर से आइए इसमें, थर्ड क्या होगा, सेकेंड रो से क्या होगा आपका, थर्ड कॉलम में, अगर तीसरा रो रह जाता है क्या होता है, ऐसे भी करते हैं, मतलब जैसे जैसे जितने भी रो रहेंगे उतने, इसमें रो नहीं है तीसरा तो क्या होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं है इस पर। तो थर्ड सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में, चार तिरका बारह प्लस पाँच छक तीस, है ना, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, चलिए आइए यहाँ पे, चौदह बीस सॉरी उन्नीस ना होगा ये, उन्नीस चौबीस चौबीस तैतीस बयालीस, क्लियर। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हुआ है, नहीं समझ में आया है, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जांपल समझ में आएगा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, वन टू थ्री फोर, ठीक है ना, टू फोर सिक्स सेवन, चलिए हम लोग गुना कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट रो से क्या होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, एक दूना दो प्लस दो छक बारह, एक दूना दो दो छक बारह, इसे करेंगे इसमें, एक चौका चार प्लस दो सते चौदह, इससे हो गया। अब फर्स्ट रो से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा हमने, फर्स्ट सेकेंड कॉलम यहाँ लिखा, अब आइए इससे, इससे करेंगे इसमें, तीन दूना छः छः चौका चौबीस, इससे करेंगे इसमें, तीन चौका बारह चार सत्ते अट्ठाईस, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, आगे आंसर आ गया, कितना हो गया आंसर, चौदह अठारह तीस चालीस, क्लियर। एक और लेते हैं एग्जांपल में, थोड़ा सा एक लेते हैं और एग्जांपल में ताकि प्रॉब्लम आपको नहीं हो, यहाँ देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक ये है, ठीक है, और फिर देखिए गुना में करना है आपको, क्या चीज़, वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू, ऐसे देना है, गुना करना है आपको। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपको थ्री बाई टू, और सुनिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, थ्री बाई थ्री है। देखिए गुना यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा गुना, क्या होगा आपको, नहीं होगा, ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें क्या है, ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें गुना हो जाए, लेते हैं आपको वन टू थ्री फोर, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, टू बाई टू है, तो इसमें देखिए रो कॉलम की संख्या, रो की संख्या की इक्वल है कि नहीं है, है ना, गुना हो जाएगा। आइए देखिए गुना कैसे करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, एक गुने एक एक प्लस दो तिहाई छः, इससे करेंगे इसमें, तो एक दूना दो प्लस दो चौका आठ, इससे करेंगे इसमें, तीन एकम तीन प्लस चार तिरका बारह, इससे करेंगे इसमें, तीन दूना छः प्लस चार चौका सोलह, इससे करेंगे इसमें, पाँच एकम पाँच प्लस छः तिरका अठारह, फिर इससे करेंगे इसमें, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पाँच दूना दस प्लस छः चौका चौबीस, है कि नहीं है। तब सुनिए कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, देखिए तो सात नौ पंद्रह बाईस, ये हो गया तेईस, ये हो गया आपको चौंतीस, ये हो गया आपका आंसर। अब सुनिए इसका ऑर्डर कितना है, देखिए इसका ऑर्डर थ्री बाई टू है, टू बाई टू है, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, थ्री बाई टू होना चाहिए था, तो क्या हो गया, इसका भी ऑर्डर क्या है आपका, थ्री बाई टू है, समझ गए ना। तो गुना में थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, बच्चों को टेढ़ा ही लगता है गुना, लेकिन टेढ़ा नहीं है, आपको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो सर्च कीजिएगा,
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाई आर के सिंह। तो एक छोटा सा क्लिप आएगा 2-5 मिनट का, जिसमें आपको फिर गुना सिखाए होंगे। तो मेरे कहने मतलब अभी ही लास्ट टाइम भी पोर्शन क्लियर करते चलिए, क्लियर, आगे बढ़िए, कुछ और बातें बता रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप, ठीक है ना। आइए देखा जाए आगे, यहाँ समझने की कोशिश की जाए। रिमेंबर मतलब याद रखें, रिमेंबर, देखिए यहाँ पे क्या करने हैं हम लोगों को। फर्स्ट बात, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें आई से गुना करेंगे, आई से कोई मैट्रिक्स ए में गुना करेंगे वही मैट्रिक्स मिलता है, आई से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, आई को कितना बार भी गुना कर लीजिए, मतलब अगर ऐसे कर देना, ऐसे कर दे आई के पावर एन करेंगे तो फिर भी हमको आई ए मिलेगा, मतलब ऐसे भी करके अगर आई के पावर एन भी कर दें, हम आई के पावर 50 का मान क्या होगा, आई ही होगा। तीसरा, अगर ए स्क्वायर निकालना हो तो ए गुने हम लोगों को ए करना होगा, क्या करना होगा, ए गुने करना होगा। चौथा, हम बता दिए हैं कि ए बी क्या होता है, बी ए के बराबर जनरली नहीं होता है, जनरली बात बता रहे हैं, ठीक है ना, जनरल की बात बता रहे हैं, जनरली नहीं होता है, किसी खास बात के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए आई आई ए बराबर नहीं हो गया है, किसी खास केस में हुआ है ना। चलिए पांचवा, अगर ए क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू ए इंटू ए कर लेंगे, ए स्क्वायर निकलेगा फिर ए क्यू निकलेगा, क्लियर बात समझ गए ना। पाँच पॉइंट है, ठीक है ना, और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसके दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जब देगा तो लिखा होगा ab बराबर ba, ऐसा देगा तब क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन में ये लिखेंगे, ऑप्शन में ये टिक करेंगे, और नहीं तो ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है आपका मेन है, ये सी पर सब आधारित है ना, तो मेन यही है आपका, आप समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा मन रिजल्ट है जो आपको हो सकता है, लिखिए एक क्वेश्चन करा रहे हैं प्यारा सा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1 देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता, अगर क्या लिखता कि यहाँ लिखता कि a बराबर इतना, a बराबर क्या लिखता आपको 1, 2, 3, 1 लिख देता आपको, एफ एक्स बराबर क्या लिखता आपको, एफ एक्स बराबर लिखता आपसे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिख देता आपसे, आपको लिख देता, कहता कि फाइंड एफ ए, सेम सिचुएशन है यहाँ पे क्या है, सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। और सुनिए एक बात सुनिए, अगर लिखा गया है a प्लस 2 तो इसका कोई मतलब नहीं है, a प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 2i, क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 2i लिखेंगे, समझ रहे ना, a प्लस 2i कि एक मान, जैसे कोई अंक आएगा a प्लस 3 a प्लस 4 उसमें i से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंक के साथ में, दो का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, दो i की बात कहा जा रहा है, जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा 2i हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अब देखिएगा यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 1 है, क्लियर, तो देयरफोर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए मतलब 1, 2, 3, 1
1, 2, 3, 1 ऐसे हो जाएगा। और देखिए क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 × 1 = 1 प्लस 2 × 3 = 6, इससे करेंगे इसमें 1 × 2 प्लस 2 × 1 = 2, इससे करेंगे इसमें 3 × 3 प्लस 1 × 3 = 3, इससे करेंगे इसमें 3 × 6 प्लस 1 × 1, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा बोलिए, 6 × 1 = 7, 2 × 2 = 4, 6 × 7 ये आपका हो गया। क्लियर, लिखेंगे नाउ क्या है, ए स्क्वायर है, उसके बाद क्या है -3a है, उसके बाद क्या है 2i है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान 7, 4, 6, 7, उसके बाद 3a का मान कितना है 1, 2, 3, 1, उसके बाद 2i का मान कितना होता है 1, 0, 0, 1। जब हम 2 by 2 की चर्चा करेंगे तो साइन लेंगे ना, 2 by 2 की चर्चा में क्या होगा, साइन लेंगे ना हम लोग। आइए यहाँ पे, तो चलिए 7, 4, 6, 7 क्लियर, -3, 6, 9, 3 प्लस 2, 0, 0, 2। चलिए इसमें क्या है ना कि एक दिमाग लगाते हैं, इसको दोनों के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे चाहे इसमें से घटा लेते हैं फिर जोड़ देंगे, कैसे भी कीजिए आप बताइएगा इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, आंसर आप लोग लिख लीजिएगा बना के, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास को करने के बाद बता रहे हैं आपको, होमवर्क दे रहे हैं आपको, होमवर्क देखिए, होमवर्क क्या है, एच डब्ल्यू क्या है, एच डब्ल्यू जो आपका है ये है 3.2 ऑल है ना, बस ट्राई करते चलिए, एक बार मेहनत करते चलिए 60 डेज का कोर्स ख़त्म होने दीजिए, ख़त्म होने के बाद फिर क्या होगा आपके लिए, फिर एक सीरीज लाएंगे, फिर आपका मेहनत कराएंगे आपको, लेकिन अभी जब नहीं करेंगे तो बाद में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस सीरीज को बढ़िया से देखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। 3.2 होमवर्क लिखे हैं, देखिए वहाँ पर 3.2 लिखा गया है, तो 3.2 होमवर्क में है, बनाइएगा बढ़िया से, और वीडियो को अभी का अभी क्लास को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और लाइक कर दीजिए, पहली बार यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, चलिए।